माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटरफेरेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि थिन फिल्म, उसको आज कवर करेंगे। इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म। बेसिकली व्हाट इज द थिन फिल्म? थिन फिल्म क्या होती है? अगर मैं थिन फिल्म आपसे पूछूं तो आप जनरल डिस्क्रिप्शंस में आप मेरे को नॉर्मली ये बताएंगे कि जो ग्लास विंडोज होती हैं घर की, इस पे जो हमारी एक फिल्म लगी हुई होती है कलर फिल्म, दैट इज कॉल्ड द थिन फिल्म। और आप कहेंगे कि जो गाड़ी और कार्स में जो हमारी विंडोज पे फिल्म लगी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड योर थिन फिल्म, वो हमारी थिन फिल्म होती है हमारी। बट अगर हम इसको देखें कि जो इसकी जनरल डेफिनेशन है थिन फिल्म की, वो अगर हम देखते हैं, इफ द थिकनेस ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम इज अबाउट of the order of wavelength of light in a visible region, that is visible region हमारा कितना होता है, that is your 4000 angstrom to 7000, right? तो 4000 से 7000 के बीच में जो हमारा visible region है, then the optical medium is called as your thin film. Yes, this is called your thin film. Or in other words, we can say the thickness of the medium is very low as comparison to its other parameter like length and its breadth. यानी इसके कंपेरिजन में जो फिल्म होती है उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, दैट फिल्म इज नोन एज योर थिन फिल्म। थिन फिल्म जो है हमारी नॉर्मली इट्स इज अ ट्रांसपेरेंट, ये हमारी जो है वो ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है हमारी, ट्रांसपेरेंट फिल्म है हमारी ये, राइट? क्योंकि इसकी थिकनेस बड़ी कम होती है एज कंपेयर टू द विजिबल रीजन जो कि 4000 और 7000 के बीच में होती है हमारी। और ये जो थिन फिल्म है, ये थिन फिल्म में जो हम सबसे अच्छी थिन फिल्म को कहें, जैसे कि हमारा हो गया सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन जो है हमारा सबसे अच्छा जो है थिन फिल्म के रूप में हम इसको देख सकते हैं, जैसे आपका सोप बबल, सोप बबल इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ योर थिन फिल्म, थिन फिल्म का हमारा ये एग्जाम्पल होता है। और यू कैन से दैट द ऑयल, इफ यू पुट ए ड्रॉप ऑफ ऑयल ओवर ए वाटर सरफेस देन इट इज स्प्रेड इट आउट, स्प्रेड हो जाता है ऊपर से, तो जो फिल्म बनती है दैट फिल्म इज योर थिन फिल्म, ये हमारी थिन फिल्म बन गई हमारी जो बनती है हमारी। सो इन थिन फिल्म्स में जो थिन फिल्म हमारी बनी, जैसे कि सोप फिल्म से बनी या ऑयल फिल्म से हमारी थिन फिल्म बनी, इस थिन फिल्म के अंदर जो थिकनेस ऑफ द फिल्म होती है वो हमारी आपकी कांस्टेंट थिकनेस होती है, कांस्टेंट थिकनेस। तो जो कांस्टेंट थिकनेस हमारी फिल्म है जो हमारी, जिसकी की सपोज दिस इज योर ए सरफेस, दिस इज योर बी सरफेस, ये हमारी थिकनेस इसकी जो है वो कांस्टेंट थिकनेस है, तो ये हमारी हो गई कांस्टेंट थिकनेस। तो ये थी जो फिल्म बनती है, ये हमारी होती है पैरेलल थिन फिल्म, पैरेलल थिन फिल्म यानी कि कांस्टेंट थिकनेस हो गई हमारी। एक हमारी होती है अनदर इज योर वेज शेप्ड थिन फिल्म। वेज शेप थिन फिल्म में देर आर द टू सर्फेस, दो सर्फेस होती है, सब दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, दिस इज योर पॉइंट ओ। इसमें क्या है, थिकनेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, थिकनेस जो है हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है हमारी। सो दीज टाइप्स ऑफ थिन फिल्म आर नोन एज योर वेज शेप थिन फिल्म। कॉन्स्टेंट थिकनेस है अगर हमारी इसमें, तो हमारी पैरेलल थिन फिल्म कहलाती है हमारी ये, ठीक है। अब इन दोनों फिल्मों में, ये जो वेज शेप और हमारी कांस्टेंट थिन फिल्म है, दोनों में ही इंटरफेरेंस हो रहा है हमारा। पैरेलल फिल्म के अंदर इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है हम ये देखते हैं। सपोज दिस इज योर पैरेलल फिल्म यानी ए और बी, ए और बी हमारी पैरेलल थिन फिल्म है हमारी, ठीक है। अब यहां से कोई लाइट रे हमारी आ रही है, सपोज दिस इज योर ए पॉइंट एंड दिस इज योर बी पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट दिस हाफ ऑफ द रे इज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट हो गई, हाफ ऑफ द रे रिफ्रेक्टेड इन साइड द फिल्म, ये हमारी क्या है, फिल्म है, फिल्म, राइट, इसके अंदर रिफ्रैक्ट हो गई। एट दिस पॉइंट, नॉट दिस इज द पॉइंट सी, इस सी पॉइंट पर, यहां पर अगेन इट इज रिफ्रेक्टेड एंड हाफ ऑफ दिन रिफ्लेक्टेड, फिर रिफ्लेक्ट हो। सपोज दिस इज योर एंगल आई, आई एंगल से इंसिडेंट हुई, दिस इज योर आर, दिस इज योर आर एंड दिस इज योर आई। At this point, at D, again same thing is happened. Half of them is refracted,
आधी रिफ्रैक्ट हो गई अगेन. एट दिस पॉइंट ई सेम थिंग इज अगेन हैपन, ये फिर ऐसे चली गई. सो एवरी पॉइंट व्हाट यू विल ऑब्जर्व, हर पॉइंट पे रे क्या है, आधी ट्रांसमिट हो रही है और आधी आपकी आधी रिफ्रैक्ट हो रही है और आधी रिफ्लेक्ट हो रही है इसके अंदर से. सो देर आर द टू वेज लाइट के, रे दो तरीके हो रहे हैं. इसमें से रे कौन सी है हमारी, सपोज दिस इज योर एम एंड दिस इज योर एन पॉइंट, तो बी एम, एक तो हमारी बी एम रे हो गई, दूसरी क्या हुई डी एन. ये वाला केस, ऊपर का जो केस है, ये वाला केस कहलाया हमारा रिफ्लेक्टेड केस. ये कौन सा कहलाया, रिफ्लेक्टेड केस. और ये वाला जो केस कहलाया हमारा, सपोज दिस इज योर के एंड दिस इज योर जे, तो जो ये है हमारा रिफ्लेक्टेड है, गया हमारा रिफ्लेक्टेड केस हो गया हमारा. और ये जो है हमारा यानी कि सी के और ई जे, ये जो रे हमारी बन रही, ये दोनों रे, ये हमारा ट्रांसमिटेड केस कहलाया. तो दोनों ही केस के अंदर, यानी कि पैरेलल थिन फिल्म्स के अंदर और वेज शेप थिन फिल्म के अंदर, दोनों ही केस में एक तो रिफ्लेक्टेड केस होगा और दूसरा ट्रांसमिटेड केस होगा. अब ये दोनों जो रे हैं, ये दोनों रे कहीं ना कहीं जाके इसमें इंटरफेरेंस हो जाएगा. जब इंटरफेरेंस हो जाएगा तो आपको अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिल जाएंगे. अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आपको मिलती चली जाएंगी. क्यों? क्योंकि सोर्स हमने जो लिया है, सोर्स एस, सोर्स हम कौन सा ले रहे हैं, हम आपका मोनोक्रोमेटिक, हमने सोर्स मोनोक्रोमेटिक लिया. इफ वी सपोज वी टेक अ व्हाइट लाइट सोर्स, व्हाइट लाइट सोर्स अगर हम ले लेते हैं इसके में, तो हमें यहां से अगर हम ऑब्जर्व करें हम इसमें से, तो हमें क्या होगा, कलर्ड फ्रिंजेस दिखाई देंगी हमें. व्हेन वी यूज द व्हाइट लाइट सोर्स इट इज यूज टू इल्यूमिनेट दिस थिन फिल्म, इस थिन फिल्म को इल्यूमिनेट करते हैं. अगर कंसिडर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज सेटिस्फाइड फॉर द डिफरेंट वेवलेंथ एट ए डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट, दैट इज द डिफरेंट एंगल ऑफ द इंसिडेंस. If the point source of the light is used, the divergence of light for these angles, right, angle of the incidence is large, due to which only a single color is visible at a particular angle. If you change your position of the eye, then only the different color of the fringes you will be observed here. So when we using the white light, different colors we will find the fringes, and we have to change the position of our eyes. हमें eyes की अपनी position को change करना पड़ेगा. And if you use the monochromatic light, तो हमें alternate dark and bright fringes मिलेंगी. So this is your the complete introduction of the thin film. इस thin film का एक complete introduction है. इस thin film के अंदर हम parallel thin film के अंदर path difference find out करते हैं. हम इसका path डिफरेंस, पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. इस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा. इसमें पाथ डिफरेंस हम यहां पे भी, इसमें भी हम पाथ डिफरेंस हम इसमें फाइंड आउट करेंगे. इसमें थिकनेस ऑफ द फिल्म हम निकालते हैं, जो थिकनेस ऑफ द फिल्म है हमारी, इसकी थिकनेस का भी हम फॉर्मूला निकालते हैं, राइट. तो माई डियर स्टूडेंट, दिस इज द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ अबाउट योर थिन फिल्म. ओके, थैंक यू.